हेलो फ्रेंड, आ गए हैं एक और नए वीडियो के साथ। आज हम सिखाने वाले हैं फुल बैकग्राउंड कलर कैसे करें, इस तरह का फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले। तो फ्रेंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, तभी इस तरह का फोटो एडिटिंग करना आप सीख पाओगे। तो फ्रेंड हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड हम इस ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लेते हैं स्नैपचैट ऐप में। तो गाइज हमने फोटो को शेयर कर लिया है स्नैपचैट ऐप में। स्नैपचैट ऐप में जाने के बाद टूल्स पर क्लिक करके, इधर क्लिक करके अपने फेस पर रख के ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देना है। इतना करने के बाद कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा देना है, सिचुएशन को थोड़ा कम कर लेना है। इतना करने के बाद हम दूसरे ऑप्शन पर जाएंगे। इस ऑप्शन पर ब्राइटनेस को भी, इसमें भी ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है और कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा लेना है। इतना करने के बाद सिचुएशन को थोड़ा बढ़ा लेना है, एम्बिएंस को भी थोड़ा बढ़ा लेना है, हाईलाइट को कम कर लेना है। इतना करने के बाद हम एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, व्यू एडिट पर क्लिक करके, इधर क्लिक करके अपने फेस पर ब्रश को चलाना है। इतना करने के बाद हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं लाइटरूम ऐप में। तो फ्रेंड हमने फोटो को शेयर कर दिया है लाइटरूम ऐप में। तो फ्रेंड हम आपको वन क्लिक में एडिटिंग करके दिखाने वाले हैं। फ्रेंड हम इस प्रीसेट को यूज़ कर रहे हैं। इस प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इधर से कॉपी कर लेना है। हम कॉपी करने के बाद हम अपने ओरिजिनल फोटो पे आके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड हमारा वन क्लिक में ऐसा एडिटिंग हो चुका है बिफोर आफ्टर। तो फ्रेंड हम इस फोटो को शेयर कर लेते हैं स्केचबुक ऐप में। तो फ्रेंड हमने फोटो को शेयर कर लिया स्केचबुक ऐप में। शेयर करने के बाद इधर से ब्रश लेंगे। तो फ्रेंड हम इस ब्रश को यूज करते हैं। इस ब्रश का सेटिंग आपको दिखा देते हैं। इस तरह का सेटिंग हम रखते हैं। क्या करने के बाद हम इस ब्रश को अपने फेस पर चलाते हैं। तो फिर कितना अच्छा स्मूथ हो रहा है। तो फ्रेंड हम वीडियो को फास्ट कर लेते हैं। तो गाइज हमने फोटो को स्मूथ कर लिया है स्केचबुक ऐप में।